ट्रैफिक पुलिस व आरटीओ की संयुक्त टीम ने पैडलेगंज में खड़े डग्गा मार बसों के खिलाफ अभियान चलाकर सीज की कार्रवाई की, जिसके संबंध में अपर एसडीएम सदर अनुपम मिश्रा ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई थी कि पैडलेगंज चौकी से लेकर रुस्तमपुर चौकी तक ज्यादा अतिक्रमण हो गया है, जिस पर अवैध बस भी सवारी भरते हैं, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसको देखते हुए नगर निगम, आरटीओ, पुलिस विभाग के साथ मिलकर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। इसके अलावा आरटीओ के माध्यम से डग्गामार बसों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कुछ बसों का चालान व कुछ बसों को सीज भी किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर एसडीएम सदर अनुपम मिश्रा और संभागीय परिवहन अधिकारी एसपी श्रीवास्तव ने कहा, इसमें शिकायत कई तरीके से प्राप्त हुई थी कि पैडलेगंज चौकी से लेकर रुस्तमपुर तक और आजाद चौक तक काफी अतिक्रमण है, और इसमें कई तरीके से अवैध बस वाले भी खड़े करके और यहां पे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसी के संबंध में आज एआरटीओ, पुलिस विभाग और नगर निगम के साथ एक अतिक्रमण को हटाने के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि जाम की समस्या से निजात दिलाई जा सके। हाँ, उन्हीं पे आरटीओ के माध्यम से उन पे कार्रवाई कराई जा रही है। ये शासन और प्रशासन के निर्देश क्रम में एसडीएम साहब हैं, एसपीओ साहब हैं, सबके लोग साथ जो है ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। इसमें जितने भी हैं डग्गा मार बसें हैं या जो और भी बसें हैं जो इनलीगल खड़े होते हैं, बिना पार्किंग के स्थान पर खड़े होते हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है।